सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो युवकों द्वारा नाबालिग के साथ अनाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें, दो युवकों के द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर बाइक में ले जाया गया। उसके बाद दो दिनों तक नाबालिग के साथ दोनों युवक अनाचार करते रहे, जिसके बाद नाबालिग को भटकते हुए छोड़ दिया, जिसके बाद सीतापुर पुलिस को मिली। सीतापुर पुलिस घटना को तत्काल संज्ञान में लेकर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री राम गोपाल गर्ग के सतत मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन पर त्वरित कार्रवाई कर वैधानिक कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था, जिसमें पीड़ित नाबालिग को आरोपियों के बारे में पूछताछ किया गया, जो पीड़िता द्वारा रोहित मिंज एवं बिमलेश खेस साकिन जामड़ी सीतापुर द्वारा बहला फुसला कर ले जाकर दोनों आरोपियों द्वारा लगातार अनाचार करने की बात बताई, जो तत्काल मामले के आरोपी रोहित मिंज एवं विमलेश खेस से घटना के संबंध में पूछताछ किया गया, जो आरोपियों द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने एवं दोनों आरोपियों द्वारा पीड़िता से अनाचार करना स्वीकार किया, जो तत्काल सदर धारा 376 एवं पॉस्को एक्ट की धारा 5(6) जोड़कर अपराध सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट। अंतर्गत पीड़िता के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि इसके नाबालिग नातिन को जामडी निवासी विमलेश केस तथा रोहित मिंज के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री राम गोपाल गर्ग, पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती भावना गुप्ता के दिग्दर्शन पर 363-366 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध सबूत पाए जाने पर पुनः 376(2) पॉक्सो एक्ट की धारा 5(6) के तहत अपराध विवेचना कार्रवाई की गई और दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।